उत्तर प्रदेश की आईएएस बी चंद्रकला के इन दिनों सभी धूर चर्चे चल रहे हैं। कुल मिलाकर सीबीआई के छापे के बाद वे सीबीआई के घेरे में आ गई हैं और अवैध खनन घोटाले में उनका नाम लिया जा रहा है। हाल ही में मेरठ के तत्कालीन विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा है कि बी चंद्रकला भ्रष्टाचार की बड़ी खिलाड़ी रही है, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इधर बुंदेलखंड के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर के अनुसार चंद्रकला सत्ता समर्थित सिंडिकेट की उपज थी और अब इन सभी रसूखदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि चंद्रकला के कई ऐसे काम थे जो मीडिया में स्थान नहीं पा सके और इन कामों को लेकर यह कहा जाता है कि ये सभी गलत काम थे और इन्हें मीडिया में नहीं आने दिया गया। मेरठ में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं उलझी, इसके पीछे एक वजह यह बताई गई कि वे सत्ता परिवर्तन के बावजूद अपना स्थान बनाए रखती थी और इस होड़ में वे हमेशा आगे रहती थी। विधानसभा चुनाव के दौरान वो मेरठ में डीएम थी और तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी कहासुनी हो गई थी। बीजेपी की शिकायत के बाद उनका ट्रांसफ़र किया गया और तभी मेरठ के विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा उन पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।